किया फाइनली भारतीय बाजार में लेके आ रहा है अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार EV6। ये वादा कर रही है स्पोर्ट्स कार जैसा परफॉर्मेंस और लग्जरी कार जैसी टेक्नोलॉजी देने का, वो भी अपने एक्साइटिंग लुक्स के साथ। तो और क्या एक्साइटिंग है इस गाड़ी में और क्या कुछ थोड़ा बेहतर हो सकता था, चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं इस वीडियो में। एक ईवी होने के नाते EV6 चलाने में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करती। इसके अलावा इसमें कई जगह पे रिसाइकल्ड मटेरियल्स का भी यूज किया गया है। EV6 का लाइटिंग सेटअप शानदार है। अटेंशन टू डिटेल की भी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। DRL शार्प हैं और ये सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी बन जाते हैं। रियर इंडिकेटर्स पे आपको एक 3D पैटर्न मिलेगा और ये भी सीक्वेंशियल हैं। हाईलाइट है कनेक्टेड टेल लैंप्स जो कि वाकई ही शानदार दिखते हैं, और वो स्पोर्टी रिवर्स लाइट जो कि एक रेस कार की याद दिलाती है। इसके अलावा स्पॉइलर में आपको एक बॉडी पैनल लाइट भी मिलेगी जिसकी मदद से ये गाड़ी रात को शानदार दिखती है। अब लंबाई में तो किया EV6 सफारी से हल्की लंबी है, पर इसका व्हील बेस फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा लंबा है। वो इसलिए क्योंकि व्हील्स को जितना हो सकता है कॉर्नर्स में पुश किया गया है। तो अगर आप इसकी हाइट और डिजाइन को देख के इसको एक हैचबैक समझ रहे हैं तो एक बार दोबारा देखिए अपने नए साइज रेफरेंस के साथ। EV6 के डिजाइन में ऐसा बहुत कुछ है जो कि शायद आप एक बार देखने पे मिस कर जाएं, जैसे कि फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स जो अपने आप बाहर आ जाते हैं जब आप इसके पास आते हैं चाबी लेके। ये चाबी रेगुलर किया के की डिजाइन से अलग है और अच्छी लगती है। 19-inch व्हील्स इसकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी को हेल्प करते हैं। ये फास्ट बैक लुक बड़ा स्पोर्टी है, लेकिन इसकी वजह से ड्राइवर को पीछे ट्रैफिक देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। स्पॉइलर भी इसका बड़ा स्पोर्टी है और रेगुलर कार्स में आपको ऐसा डिजाइन तो नहीं मिलेगा। रियर चार्जिंग डोर पावर्ड है, आप अंदर से इसको खोल और बंद कर सकते हैं। ये काम आप अपने फोन की मदद से भी कर सकते हैं। ओवरऑल EV6 दिखने में बड़ी एक्साइटिंग है, लेकिन इसका डिजाइन जरूर थोड़ा बिजी है। अब आपको ये पसंद आए या नहीं, पर ये तो मानना ही पड़ेगा कि सड़क पे ऐसा और कुछ भी नहीं दिखता। किया EV6 की बैटरी इतनी बड़ी है कि ये आपके घर के अप्लायंसेस को भी पावर कर सकती है। व्हीकल टू लोड फीचर के साथ आप EV6 से अपना TV, माइक्रोवेव, प्रोजेक्टर या मिक्सर जैसी चीजें भी चला सकते हैं। तो अगर आप इसको कैंपिंग पे लेके जाने वाले हैं तो बैकअप पावर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, आप इससे दूसरी EVs तक को भी चार्ज कर सकते हैं, पर ये बात ना अपने पड़ोसियों को मत बताइएगा, नहीं तो दाल और चीनी के अलावा वो चार्ज भी मांगने लग जाएंगे। 520 लीटर्स की बूट स्पेस आपको EV6 में मिलती है और ये सीट फोल्ड करके आप और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बस एक मोबिलिटी किट। इसके अलावा इसमें बोनट के नीचे भी आपको एक 20 लीटर्स का स्टोरेज मिल जाता है अपनी कोई छोटी मोटी ग्रोसरीज रखने के लिए। EV6 में आपको 77.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो कि नेक्सॉन EV मैक्स से लगभग दुगना है। किया का ये कहना है कि 10 से 80% चार्ज आप 18 मिनट में ही कर सकते हैं और 100 किलोमीटर की रेंज ऐड करने के लिए 5 मिनट से भी कम का चार्ज लगता है, लेकिन ये होता है 350 किलोवाट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ जो कि आपको इंडिया में नहीं मिलेगी, एटलीस्ट अभी के लिए तो। लेकिन अगर आप इसको घर पे 0 से 100% चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 36 घंटे लगने वाले हैं। अब अच्छी बात यह है कि एक फुल चार्ज पे EV6 500 से भी ज्यादा किलोमीटर चल सकती है और ARAI क्लेम रेंज तो इससे भी ज्यादा होने वाली है। तो ये गाड़ी आपको बार बार और हर रोज चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ EVs के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पे फ्लोर एकदम फ्लैट है, इस वजह से ये डैशबोर्ड और ये सेंटर टनल फ्लोटिंग लगती है। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड का लेआउट और मटेरियल की क्वालिटी भी काबिले तारीफ है। फीचर्स की शुरुआत करते हैं इन दो कर्व्ड 12.3 डिस्प्लेस के साथ। अब इनकी क्वालिटी बड़ी शानदार है और ये सिस्टम भी बड़ा ईजी है यूज करने में, बड़ा स्मूथ लगता है। मुझे खासकर ये जो बैटरी परसेंटेज का आइकॉन है वो बड़ा पसंद आया, लेकिन अगर ये गाड़ी भी EV6 ही होती तो और अच्छा लगता। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के साथ इसके हेड्सअप डिस्प्ले में आपको लाइव डायरेक्शंस और वार्निंग्स मिल सकती हैं, वो भी सामने वाली सड़क के हिसाब से। ये फीचर इंडिया में आपको लग्जरी कार्स में भी नहीं मिलेगा। EV6 में आपको एक 360 डिग्री कैमरा तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ एक प्रॉपर 3D व्यू भी दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि जब आप कहीं दूर हैं, गाड़ी आपकी चार्ज हो रही है, तो इस कैमरा की मदद से आप गाड़ी की निगरानी भी कर सकते हैं।
14 स्पीकर मेरिडियन साउंड सिस्टम वाकई शानदार साउंड करता है। EV6 में आपको सनरूफ तो मिलती है, लेकिन ये अगर पैनोरामिक होती तो और मजा आता। इस पैनल में आपको दो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एक तो है ये मीडिया के कंट्रोल्स और यहीं पे बटन दबा के आप इसको क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल भी बना सकते हैं। लेकिन यार गाड़ी चलाते हुए ये सब करना ना थोड़ी दिक्कत दे सकता है। इस सेंटर कंसोल का डिजाइन भी बड़ा क्लीन है, ऊपर आपको सीट वेंटिलेशन और हीटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे ये ईवी को स्टार्ट करने का बटन और फाइनली ये ड्राइव सिलेक्टर जो कि यूज करने में बड़ा रिस्पॉन्सिव है। अब गाड़ी ईवी आर्किटेक्चर पे बनी है तो आपको खूब सारी प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है। स्टोरेज प्लेस की बात करें तो आपको सेंटर में मिलता है इतना बड़ा स्टोरेज के पूरा बैग आ जाएगा वहाँ पे एक छोटा वाला। इसके अलावा दो कप होल्डर्स, की होल्डर और फिर सेंटर कंसोल में डीप स्टोरेज जहाँ पे वापस एक छोटा बैग आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसका जो ग्लव बॉक्स है उसमें भी वापस आप ये छोटा बैग फिट कर सकते हैं। वाकई प्रैक्टिकलिटी की कमी इस गाड़ी में आपको नहीं आने वाली। इलेक्ट्रिक कार है तो फोन चार्जिंग ऑप्शन की कमी तो नहीं होने वाली। आगे आपको मिल जाते हैं चार, एक USB, एक Type-C, वापस एक Type-C और एक 12 वोल्ट सॉकेट। इसके अलावा सेंटर कंसोल में आपको मिल जाता है एक वायरलेस फोन चार्जर जिसके अंदर वेंटिलेशन भी है। सीट्स पे ही पीछे वाली सीट्स के लिए दो Type-C चार्जर्स मिलते हैं और फाइनली पीछे वाली सीट्स के नीचे एक लैपटॉप चार्जर। गाड़ी चार्ज करते हुए वेट करने के लिए आपको इस गाड़ी में ये रिलैक्सिंग सीट्स मिल जाती हैं जो आपको एक जीरो ग्रेविटी पोजिशन में पहुंचा के बड़ा ही कंफर्टेबल रखती हैं। सेफ्टी के लिए गाड़ी में आपको 8 एयरबैग्स मिल रहे हैं और ये जो फ्रंट सीट्स है एयरबैग इनके दोनों तरफ से आगे आता है। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी मिल जाती है, मेरा मतलब है ढेर सारा नी रूम और डिसेंट हेडरूम। अगर आप 6 फुट तक के हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आने वाली। लेकिन जो चीज नहीं मिलती है वो है फुट रूम, क्योंकि सीट काफी नीचे हैं तो पैर आप ज्यादा आगे स्ट्रेच नहीं कर सकते और क्योंकि ये एक ईवी है बैटरी पैक नीचे लगा है तो फ्लोर ऊपर आ जाता है, इस वजह से अंडर थाई सपोर्ट की भी कमी काफी यहाँ पे महसूस होती है। लेकिन क्योंकि ये फ्लोर फ्लैट है और ये सीट भी, तो आप 3 जने आप बड़े आराम से बिठा पाएंगे। रियर आर्मरेस्ट में आपको एक स्टोरेज मिल जाता है जिसको आप कप होल्डर्स में भी बदल सकते हैं। किया EV6 आपको GT लाइन वेरिएंट में ही मिलेगी, लेकिन आपके पास दो पावर ट्रेन ऑप्शंस होंगे, एक है सिंगल रियर मोटर रियर व्हील ड्राइव और दूसरा है ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो बनाता है कंबाइंड 325 PS और 605 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके साथ 0-100 की रफ्तार पहुंचने में सिर्फ 5.2 सेकंड्स ही लगते हैं। हम आज ये ऑल व्हील ड्राइव पावर ट्रेन ही चला रहे हैं। गाड़ी चलाते हुए आपको 3 साउंड्स का ऑप्शन मिल जाता है, मुझे डायनेमिक बड़ा पसंद आया, स्पेसशिप जैसा साउंड करता है। इसके अलावा आपको स्टाइलिश और साइबर भी मिलता है। जब आप EV6 को चलाना शुरू करते हैं तो ये एक रेगुलर EV जैसी ही लगती है, क्वाइट कंफर्टेबल और रिस्पॉन्सिव, और इसका साउंड इंसुलेशन इतना अच्छा है कि क्वाइटनेस फैक्टर और भी बढ़ जाता है। फर्क पता चलता है लेकिन जब आप एक्सेलरेटर थोड़ा स्पोर्टी यूज करते हैं। EV6 का रिस्पॉन्स इंस्टेंट है और एक तेज रफ्तार से ये आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है, और भले ही आप कितनी भी स्पीड पे जा रहे हो 40 या 140 थ्रॉटल दबाने पे रिस्पॉन्स हमेशा इंस्टेंट एक्सेलरेशन का ही होता है। इनफैक्ट रेस ट्रैक पे हमने इसके 7 या 8 लैप करे और उस पे हर बार इसका 192 किलोमीटर पर आर का इंडिकेटेड टॉप स्पीड टच किया और हर बार यहां तक पहुंचना बड़ा ही एफर्टलेस था। एक बार अब आप इसका 0 to टॉप स्पीड रन देख लीजिए। ये हर बार हर स्पीड पे आपके होश उड़ाने की काबिलियत रखती है और ये सब बार बार करने के बावजूद भी रेंज 90% से सिर्फ 60% पे ही गिरी। EV6 में 5 रीजन मोड्स हैं,
इम्पॉर्टेंट है आई पेडल, जिसके साथ आप सिर्फ एक्सेलरेटर को यूज करते ही गाड़ी चला सकते हैं, और जब आप एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो अपने आप ब्रेक लगने लग जाते हैं और गाड़ी पूरे स्टॉप पे भी आ सकती है। और दूसरा है ऑटो, जो सामने की ट्रैफिक कंडीशंस को मॉनिटर करके अपना रीजन एडजस्ट कर सकता है। कंफर्ट एक F1 ट्रैक पे समझना मुश्किल है, पर इतना जरूर बोल सकते हैं कि हाई स्पीड्स पे ये गाड़ी बड़ी स्टेबल रहती है, और कर्ब्स पे भी जब हम गए तो वो कैबिन में ज्यादा फील नहीं हुए। तो हमें ये उम्मीद है कि सिटी में चलाने में भी EV6 कंफर्टेबल ही होगी। किया EV6 को रेस ट्रैक पे चलाने में बड़ा मजा आया। इसका स्टीयरिंग का फील अच्छा है और गाड़ी कॉर्नर लेते टाइम कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है। और तो और, ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत जल्दी आके आपका पावर कट नहीं करता, तो आप थोड़ी मस्ती भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने ज्यादा वजन की वजह से कैबिन में वेट ट्रांसफर जरूर फील होता है, और इसलिए कॉर्नर्स में आपको थोड़ा धीरे जाना पड़ेगा, लेकिन माउंटेन रोड्स और हाईवेज पे इसको चलाने में मजा आने वाला है। एक्सक्लूसिविटी, किया EV6 एक फुल इंपोर्ट होने वाली है और सिर्फ 100 यूनिट ही भारत आएंगी। इसका मतलब अगर आप 70 लाख रुपए देके ये गाड़ी लेते हैं तो आपके अलावा सिर्फ 99 और गाड़ियां होंगी रोड पे जो ऐसी दिखेंगी, और ये बात बहुत लोगों को पसंद आने वाली है। अब उनको ये भी पसंद आएगा कि ये गाड़ी चलाने में काफी एक्साइटिंग है, लुक्स में काफी शानदार, और अंदर की टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी काफी ज्यादा यूजफुल भी। अब इसका फुल रिव्यू हम तब करेंगे जब ये गाड़ी हमारे पास पुणे में आएगी, क्योंकि एक F1 ट्रैक पे सिटी के बारे में आप क्या ही बता पाएंगे। और तब तक के लिए जुड़े रहिए कार देखो के साथ।